उतार चढ़ाव चल रहा है, लेकिन सब्जियों के दाम कम होने के बजाय लगातार बढ़ ही रहे हैं। राजधानी जयपुर में आलम यह है कि हरी सब्जियों की कीमतों ने लोगों की जेब ढीली कर दी है। लोग हरी सब्जी खरीदने से पहले अब सोचने लगे हैं। कुछ सब्जियों के दाम तो फल के बराबर हो चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आलू आम से हुआ खास, प्याज ने भी रुलाया, टमाटर हुआ और लाल, भिंडी भी भड़की, टिंडे ने बढ़ाई टेंशन। राजधानी जयपुर में आम आदमी की थाली से सब्जी फिर से गायब होने लगी है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है सब्जियों के आसमान छूते दाम। सावन से पहले हुई बारिश ने लोगों को टेंशन में डाल दिया है। महंगाई का पहले से दंश झेल रही जनता पर अब बारिश का सितम महंगाई बनकर टूट रहा है। लोग ये नहीं समझ पा रहे कि क्या खाएं, क्या बनाएं और थाली में परोसे क्या। भाव तो काफी बढ़ रहा है, सब्जियों की रेट बहुत तेजी से बढ़ रही है। हमें बहुत इनफैक्ट टमाटर इतने सोच सोच के लेने पड़ते हैं। आजकल सेलेक्ट करते हैं क्या सब्जी बनाएं, क्या खाएं। इवन फ्रूट्स भी, फल भी बहुत तेजी से महंगे हो रहे हैं। मेरे जैसे मध्यम वर्ग के परिवार पे तो आधी हो गई है, मान के चलो। तो ध्यान देना चाहिए इनको व्यवस्था पर, कम से कम सब्जियों पर तो देखना ही चाहिए, लगाम लगानी चाहिए। फ्रूट तो आदमी भाई, सब्जी तो एसेंशियल है। पिछले महीने से ही हरी सब्जियों के रेट अचानक से इतने बढ़ गए कि सब्जी मंडी से ग्राहक लगभग गायब होने लगे। जो सब्जी खरीदने आ रहे हैं वो भी दाम सुनकर आगे बढ़ जाते हैं। खुद सब्जी बेचने वालों का मानना है कि पहले आलू प्याज लोग कम से कम 5-5 किलो इकट्ठा खरीद लेते थे, लेकिन अब वही 1-1 किलो ही खरीद पा रहे हैं। आलू जो है पहले 20 रुपए किलो था, 15 रुपए से लेकर 20 रुपए किलो तक था, तो उसमें बहुत ज्यादा बिकता था। आज आलू 40 रुपए किलो बिक रहा है, तो ग्राहक 1 किलो ज्यादा 2 किलो तक लेता, इससे ज्यादा नहीं लेता। टमाटर भाई साहब जो है बरसात में खराब हो गया माल, आगे से महंगा आ रहा है और रास्ते में माल टूट जाता है, उसका कैमरा फेंकिए देखो माल कितना सड़ा हुआ निकल रहा है, इसलिए टमाटर 100 रुपए मंडी में बिक रहा है। सब्जियों की बढ़ी कीमतों की वजह से लोगों ने सब्जियों की खरीद में लगभग 50% की कटौती कर दी है। कुछ सब्जियों के दाम तो इस कदर बढ़ चुके हैं कि वो गरीब आदमी की सोच से ही बाहर हो चुकी है। आप हैरान होंगे सुनकर कि अदरक का दाम 180 से 200 रुपए किलो है, वहीं नींबू 130 से 150 रुपए किलो बिक रहा है, भिंडी की कीमत 100 से 120 रुपए किलो के बीच है, जबकि मिर्ची 110 से 120 रुपए किलो मिल रही है, टमाटर 80 से 100 रुपए किलो पहुंच गया है और तुरई की कीमत 150 से 160 रुपए प्रति किलो है, बैंगन 70 से 80 रुपए प्रति किलो, वहीं खीरा 70 से 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, लौकी यानी घिया की कीमत 70 से 80 रुपए प्रति किलो है, जबकि फूल गोभी 150 से 160 रुपए प्रति किलो बिक रही है, पत्ता गोभी की कीमत 70 से 80 रुपए प्रति किलो, जबकि टिंडा 220 से 240 के आसपास चल रहा है। अब सब्जी विक्रेताओं के मुताबिक सब्जियों की फसल खत्म होने से दूसरे राज्यों से सब्जियां महंगे दामों पर इम्पोर्ट की जा रही हैं, तो वहीं त्रस्त जनता अब सरकार से महंगाई कम करने की गुहार लगा रही है ताकि उनकी रसोई का बजट थोड़ा कम बिगड़े। दामोदर प्रसाद, जी मीडिया, जयपुर।